अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। किशन रेड्डी ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। नए सेक्रेटरेट का 30 अप्रैल को इफ्तिताह, तैयारियां मुकम्मल, प्रशांत रेड्डी का बयान। सुप्रीम कोर्ट जज से कविता की अर्जी की फौरी जांच करने कपिल सिब्बल का मुतालिबा। मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर दोबारा पाबंदी आयद कर दूंगा, ट्रंप का बयान। तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी मौके, रियासत की 9 वर्षों में हैरत अंगेज तरक्की, तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत ने हैरत अंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें तेलंगाना में नाफिज स्कीमात की नकल कर रही हैं। वजीर मौसूफ़ ने रियासती वज़ीरा निरंजन रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद HICC में फूड कंक्लो 2023 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 5 इनकलाब आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में चावल के मरकज़ के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हिंदुस्तान की पोल्ट्री का दारुल हुकूमत बन गया है। हुकूमत बागबानी और डेयरी के शोबों को फ़रोग दे रही है। रियासत में एक ज़राई यूनिवर्सिटी, एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी कायम की गई। तेलंगाना हुकूमत पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फ़रोग दे रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क के सनअतकार इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत देही इलाकों में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने के लिए मसाई कर रही है। उन्होंने वादे किया कि सनअती पॉलिसी TSI पास का मज़ाहरा काफ़ी बेहतर है और रियासत में सरमायाकारी करने के लिए किसी से बराए रास्त मिलने की ज़रूरत नहीं है। वजीर ज़िराअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ज़िराअत के मैदान में मुल्क के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़िराअत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो काश्त के लिए 24 घंटे बिजली फ्राहम करती है। यहाँ बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। रियासत में फ़िश फार्मिंग को फ़रोग दिया जा रहा है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में ज़िराअत और डेयरी का शोबा हैरत अंगेज तौर पर तरक्की कर रहा है। हुकूमत पोल्ट्री के शोबे को भी फ़रोग दे रही है। किशन रेड्डी ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी सकाफत और सयाहत के वजीर जी किशन रेड्डी ने दो हफ्ते को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गंगा पुष्कर ला यात्रा पूरी काशी अयोध्या भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि भारत गौरव ट्रेनों के आगाज़ के साथ हिंदुस्तान रेलवे मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों को हिंदुस्तान के मुतमुल सकाफती विरासत और शानदार तारीखी मकामात को दिखाने का एक बेहतरीन मौका फ्राहम कर रहा है। वजीर सयाहत ने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश के बाद भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 10 जून से 18 जून तक सयाहों को माता विष्णु देवी ले जाएगी। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने कहा कि इस ट्रेन में मुसाफिरों के लिए मुनासिब सहूलियात फ्राहम की गई हैं। इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर मुसाफिर मुल्क की सकाफत से रोशनास हो सकेंगे। इससे सयाहत की तरक्की को भी फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन दोनों तेलुगु रियासतों के अकीदतमंदों को एक मुनफरिद मौके फ्राहम करती है। नए सेक्रेटरेट का 30 अप्रैल को इफ्तिताह, तैयारियां मुकम्मल, प्रशांत रेड्डी का बयान। रियासती वजीर इमारात व शुआर प्रशांत रेड्डी ने आज कहा कि 30 अप्रैल को रियासत के नए डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटीग्रेटेड सेक्रेटरीट के इफ्तिताह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इतवार से नए सेक्रेटरीट से रियासत की नज़्म व ज़ब्त व दीगर उमूर की अंजामदही का आगाज़ होगा। आज प्रशांत रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद CV आनंद के हमरा सेक्रेटरीट की नई इमारत का मुआयना किया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को बेहतरीन हुक्मरानी फराहम करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 27 जून 2019 को नए इंटीग्रेटेड सेक्रेटरीट की इमारत का संग बुनियाद रखा था। हिंद फारस फन तामीर के तर्ज पर इंतहाई असरी तकाजों से लैस सेक्रेटरीट की नई इमारत पर हाईकोर्ट की इमारत की तरह गुंबद तामीर किए गए। दो गुंबदों पर कौमी निशान की अलामत वाले शेर के चेहरे लगाए गए। ये जुमला 34 गुंबद तामीर किए गए और सबसे ऊंचे 165 फीट की गुंबद पर कौमी निशान की अलामत लगाई गई। रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट की नई इमारत में पानी की सरबराही के लिए हाइड्रोन्यूमैटिक निज़ाम नस्ब किया गया। इमारत पर तामीर करदा ओवरहेड टैंक से इंतहाई नागजेर हालात में ही पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। बरसात के पानी के जखीरे के लिए जेर ज़मीन सम तामीर किया गया है।
प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि सेक्रेटरियट की छठवीं मंजिल पर चीफ मिनिस्टर का चैम्बर रहेगा। इनके साथ साथ सीएमओ के अहदेदारों, अमला, आवाम से मुलाकात के लिए जनहिता के नाम से 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश का हामिल कॉन्फ्रेंस हॉल व दीगर चैम्बर्स तामीर किए गए। बीजेपी ही में ही बरकरार रहूंगा, राजा सिंह का बयान। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने नितलात को बाईद हकीकत करार दिया कि वो बीजेपी से अलहदगी अख्तियार करने के मुतालिक गौर खोज कर रहे हैं। तेलुगुदेशम पार्टी में शमूलियत के इम्कान के मुतालिक ज़राए अब्लाग में शाया खबरों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए रुकन असेंबली गोशा माहिल ने कहा कि वो बीजेपी में ही बरकरार रहेंगे। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद पार्टी से मुअत्तल कर दिए जाने वाले राजा सिंह ने कहा कि अगर पार्टी इसकी मुअत्तली को बर्खास्त नहीं करती है तो ऐसी सूरत में वो अमली सियासत से दूरी इख्तियार कर लेगा, हिंदू मजहब के तहफ़ व तरक्की के लिए खुद को वफ़ कर देगा। दूसरी तरफ राजा सिंह ने तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू पर तारीफ़ों की बारिश कर दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हकीकी तरक्की चंद्रबाबू नायडू की मरहून मन्नत है। केसीआर ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। राजा सिंह ने पेश कयासी की कि आंध्र प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू को फिर एक बार इख्तदार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू को इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं, इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने ही इन्हें सियासी ज़िंदगी अता की है। उन्होंने कहा कि एहतराम करना और सियासत करने में फ़र्क है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी को दोबारा इख्तदार हासिल हो, तहम मेरा मानना है कि मेरा जहन सिर्फ बीजेपी के नज़रियात से ही मेल खाता है और मेरी हमेशा ख्वाहिश रहेगी कि बीजेपी में ही बरकरार रहूँ। तेलंगाना में 9,50,000 एकड़ फसलों को नुकसान पहुँचा, शर्मिला का बयान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा है कि हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में हुई बेमौसम बारिश के नतीजे में रियासत में 9,50,000 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बारिश से मुतासर इलाकों का जंगाँव ज़िले के नागिरेड्डीपल्ली गांव में मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर गुज़िश्ता 9 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि रियासत के 23 अजला में फसलों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि गाँव में 1800 एकड़ चावल ज़ाय किया गया। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए पूछा कि क्या किसान हुकूमत का यही मतलब है। उन्होंने पूछा कि किसानों का क्या यही भरोसा दिया गया है। उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर राव किसान के साथ कैसे इंसाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके वालिद राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में ज़िराअत एक त्यौहार की तरह था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में 14,000 करोड़ रुपये की फसल ज़ाय हुई, हुकूमत कम अज़ कम इस साल मुआवजा अदा करे। जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम से साफ होकर निकलूंगा, ब्रिजभूषण का बयान। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण चरण सिंह ने हफ्ते को दावा किया कि वो पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम से साफ होकर निकलेंगे। उन्होंने पूरे मामले में कांग्रेस और बड़े सनतकारों के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मामले की मुकम्मल मालूमात नहीं है। अपनी आबाई रिहायशगाह पर साफियों से बात करते हुए सिंह ने कहा, मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, तफ्तीशी एजेंसी मुझे और मेरे हामियों को इंसाफ दिलाएगी। ब्रिजभूषण ने तहकीकती एजेंसी से जल्द तहकीकत करने और फैसला देने की अपील की। उन्होंने कहा, तहकीकत में फेडरेशन का कोई किरदार नहीं है, पहलवानों की मांग रोज़ बरोज बदल रही है। मेरे इस्तीफ़ा का मतलब इल्ज़ाम कबूल करना है, मेरी मुद्दत कार ख़त्म हो रही है, मुजरिम बनकर ओहदा नहीं छोड़ना, नई बाड़ी बनने पर मेरी पोस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही पहलवान सुप्रीम कोर्ट चले गए। ब्रिजभूषण ने सवाल किया, नाबालिग को जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं लाया गया। मैंने हुकूमत और कमेटी के फैसले का एहतराम किया, मुझे MP का ओहदा दिनेश फुगाट की मेहरबानी से नहीं मिला। काबिले जिक्र है कि जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम में ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवान नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने जुमा को इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों के धरने की हिमायत की और ब्रिजभूषण सिंह पर ताकतीय तहफ़ का इल्ज़ाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट जज से कविता की अर्जी की फौरी जाँच करने कपिल सिब्बल का मुतालबा। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस रस्तोगी की बेंच से मुतालबा किया कि रुकन कानून साज कौंसिल तेलंगाना कविता की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED के खिलाफ दायर अखिल की गई अर्जी की जल्द अज जल्द जांच करें। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें इस बात की वजाहत मांगी गई थी कि आया खवातीन को तहकीकात के लिए ED के दफ्तर बुलाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने बेंच से अपील की कि वह कविता की अर्जी पर पीर को समाप्त करें। दूसरी तरफ जस्टिस रस्तोगी की बेंच ने कहा कि वह इस दरख्वास्त पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता माह कविता की तरफ से ED के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाप्त हुई, जिसके बाद समाप्त 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी चिदम्बरम की इससे कबल की दरख्वास्त को टैग किया जिसमें ख़वातीन को ED के दफ्तर में तहकीकात के लिए बुलाया गया था।
कविता ने अपने अर्जी में एक नई दरख्वास्त दाखिल की है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले की तहकीकात के लिए खसूसी तफ्तीश टीम SIT तश्कील देने का मुतालबा किया गया। कविता की तरफ से सीनियर वकील कबीर सुब्बल और विक्रम चौधरी ने बहस की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ED की तरफ से अदालत में पेश हुए। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ED खातून के हकूक के खिलाफ वर्जी कर रही है। कविता ने कहा कि PMLA एक्ट की दफ़ा 50 के तहत इन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए जारी किए गए नोटिस CRPC की दफ़ा 160 के खिलाफ है और रिकॉर्डिंग के दौरान वकील की मौजूदगी में पूछगछ के सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग का हुक्म जारी किया जाना चाहिए। इनके फ़ोन को जब्त करने और जब्ती के जारी करदा नोटिस की मनसूखी के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि फ़ोन के जब्त किए जाने को गलत करार दे। नेज इस दरख्वास्त को नलिनी चिदम्बरम बिलमुकाबिला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ मुंसलिक करें। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने अर्जी को समाअत के लिए कबूल कर लिया। कविता पहले ही 3 बार ED के सामने पेश हो चुकी है। ED का नया शिकार बायजो रविंद्रन, ट्यूशन टीचर जिन्होंने अपने ही तालिबा से शादी की, 27,000 करोड़ रुपए के मालिक। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने आज बायजो रविंद्रन के घर और दफ्तर की तलाशी ली है। बायजो रविंद्रन दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल कदर एजोटेक स्टार्टअप बायजोस के बानी और CEO हैं। मालियाती जराइम की तहकीकात करने वाली एजेंसी ED ने कहा कि बायजो रविंद्रन ने गैर मुल्की ज़र मुबादला कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। ED ने दावे और तहकीकात के दौरान मुजरिमाना दस्तावेजात और डिजिटल डेटा कब्जे में ले लिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FIMA के तहत ED ने बायजोस के 2 दफातर और 1 रिहायशी अहाती की तलाशी ली। एजेंसी के मुताबिक कुछ लोगों ने सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बायजो रविंद्रन को कई मरतबा समन जारी किए गए। तहम एजेंसी के रूबरू कभी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद इनके ऑफिस और घर पर दावे करने पड़े। ED ने दावा किया कि एडटेक प्लेटफॉर्म बायजोस की बुनियादी कंपनी ने 2011 और 2023 के दरमियान 28,000 करोड़ रुपये का FDI हासिल किया था। यह भी दावा किया गया कि कंपनी में तकरीबन 9,754 करोड़ रुपये कई बैरूनी ममालिक को भेजे हैं। बायजो रविंद्रन ने एक रियादी के ट्यूटर हैं, जिन्होंने 2011 में अपनी बीवी दिव्या गोकुलनाथ के साथ कंपनी का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 11 बजे दिन अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त के खसूसी स्क्रीनिंग के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इस सिलसिले में हैदराबाद में वाक़ राजभवन में कल मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रसार भारती और वजारत की मुख्तलिफ मीडिया यूनिटों की जानिब से राजभवन से इश्तराक के जरिए खसूसी स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियतों के अलावा मन की बात में जिक्र किए गए बाद अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन 100वीं किस्त का नज़ारा करेंगी। स्क्रीनिंग के बाद मन की बात में जिन अफराद का तस्करा किया गया वह इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने एहसास बयान करेंगे। तेलंगाना के अजला जयशंकर भोपालपल्ली मुलगू कोतागुड़म खम्मम नलगुंडा सूर्यापेट महबूबाबाद वरंगल हनमकुंडा और नागर कन्नौल में आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी के अलावा बिजलियां चमकने, झालाबारी और तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ शदीद बारिश का खवी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत के माबकी 5 अजला में भी कहीं कहीं यही सूरत हाल रह सकती है। इसके अलावा अजला निर्मल करीमनगर पेद्दापल्ली जयशंकर भोपालपल्ली मुलगो कोत्तागुड़म खम्मम नलगुंडा सूर्यापेट में मुख्तलिफ मकामात पर बिजलियाँ चमकेंगी। सऊदी खातून सार्जेंट का सूडान से आने वाले हिंदुस्तानियों का उर्दू में खैर मकदम। खाने जंगी के 2-4 सूडान से गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी है और गैर मुल्कियों को वहाँ से निकालने में सऊदी अरब ने फ़ाल किरदार अदा किया है। सूडान से आने वाले शहरियों का सऊदी अरब में इस्तकबाल किया जा रहा है और उन्हें इनके मुल्कों को रवाना करने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सूडान से इनखला के बाद ममलिकत में पहुंचने वाले एक हिंदुस्तानी ग्रुप के साथ एक सऊदी खातून सार्जेंट रवान अल मदमजान को उर्दू ज़बान में बात करते देखा जा सकता है। वह हिंदुस्तानी तारिकिन वतन से इनका हाल अहवाल पूछ रही है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा रही है। खातून सर्जेंट ने हिंदुस्तानी बाशिंदों के तमाम इस्तफसारात के उर्दू में जवाब देकर इन्हें हैरान कर दिया। इस मौके पर तारिकिन वतन में तहफ़ भी तकसीम किए गए। काबिल जिक्र है कि सूडानी अफवाज और सरवील हरकत फोर्सेस RSF ने जुमरात को सऊदी अमरीकी साजिशी के बाद 72 घंटों की जंगबंदी का ऐलान किया। तमाम झड़पें दोबारा शुरू हो गईं। दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए। खुर्तूम उम्मेदरमान और दारुल हुकूमत में सदारती महल के आसपास झड़पें जारी हैं। 15 अप्रैल से सूडान के फौजी धड़ों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद मुल्क में तकरीबन 5 मरतबा जंग बंदी हुई, लेकिन सबकी दोनों तरफ से खिलाफवर्जी की गई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के लोगों को न सिर्फ सूडान से रेस्क्यू किया बल्कि उनके साथ जो सलूक और रवैया इख्तियार किया गया वो इससे भी ज़्यादा शानदार था। शायद इन मुल्कों की अपनी हुकूमतें भी अगर रेस्क्यू करती तो इस तरह से उनकी हर एक चीज़ का ख्याल ना रखा जाता जैसा कि इन लोगों के साथ सलूक किया गया है। आपको चंद वीडियोस दिखाना चाहेंगे जिसके अंदर उर्दू हिंदी जुबान में लोगों के साथ उन्हीं की जुबान में बात इसलिए की जा रही है ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो सऊदी अरेबिया को अपने घर जैसा समझें। कुछ वीडियोस देखिए फिर इस पे बात करते हैं। मैं आप लोगों की हम लोग यहाँ पाकिस्तान की खिदमत में हैं। हमको कुछ भी खाना तो मेरे से बोलो और हम लोगों को फखर है कि आप लोगों के खिदमत करने पे हम लोग आपकी खिदमत में हैं। आप लोगों को कुछ भी खाना इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आता। आप लोगों को कुछ भी खाना तो मेरे से बात करो, अगर ऐसे हो गया लोगों को हम लोगों की उर्दू बात नहीं आता। आपने देखा कि कभी जद्दा की बंदरगाह पे जहाज से उतरते हुए तो कभी किसी आलीशान रेस्ट हाउस के अंदर बैठे हुए इंडिया के लोगों को उनकी जुबान में बात करके वेलकम किया जा रहा है। खातून मोहतरमा कहती हैं कि आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा एक सऊदी फौजी अहलकार की वीडियो भी थी जिसके अंदर वो इंडिया की फैमिली आई और उसका एक बच्चा था छोटा सा, तो उसको बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब कह के वेलकम कह रहा था। मतलब ये आमतौर पे अल्फाज तब बोले जाते हैं जब कोई आपके साथ नेकी करे। आप किसी के साथ नेकी करें तो आप नहीं बोलते बल्कि अगला बंदा बोलता है। यहाँ पे भलाई और नेकी भी सऊदी अरब की जानिब से की जा रही है और बदले में शुक्रिया मेहरबानी भी सऊदी अरब की जानिब से कही जा रही है। यही तो अरब है, यही तो सऊदी अरेबिया है जो हमेशा से गैर मुल्कियों के लिए एक माँ की हैसियत रखता था कि यहाँ से लोगों को रोज़गार मिलता और पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में अपने घर वालों को पालते। फिर आज मुश्किल वक्त आई है तो यही सऊदी अरेबिया बड़े भाई जैसा फैमिली मेंबर जैसा लोगों का ख्याल रख रहा है। और मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर दोबारा पाबंदी आयद करूंगा, ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अगर वो 2024 में सदर मुंतखब हो गए तो इस्लामी ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाते हुए इन पर आयद सफरी पाबंदी दोबारा बहाल कर देंगे। दो मरतबा मुआखिरे का सामना करने वाले साबिक सदर ने आज न्यू हैम्पशायर में कहा कि मैं बुनियाद परस्त इस्लामी दहशत गर्दों को अपने मुल्क से बाहर रखने के लिए अपनी सफरी पाबंदी बहाल करूंगा। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि गुज़िश्ता 4 साल में क्या हुआ, हम इस मामले में बेहद सख्त थे, हम अपनी इमारतों को धमाके से उड़ते हुए देखना नहीं चाहते। वाज़ह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अपने पहले हफ्ते के दौरान 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक बिशमोल ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन से सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी थी। अगरचे इस हुक्म को पहले अदालतों ने रोक दिया था और व्हाइट हाउस ने यह वजाहत की थी कि मुसलमानों पर पाबंदी नहीं है, तहम सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इकदाम के हतमी वर्जन को बरकरार रखा था। सदर जो बाइडन ने 2021 में इख्तदार संभालने के बाद इस पाबंदी को बर्खास्त कर दिया था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि वह मजमू पाबंदी को बरकरार रखने के बजाय बैरूनी हुकूमतों के साथ मालूम के तबादले को मजबूत बनाते हुए सयाहों की स्क्रीनिंग को बेहतर बनाएगा। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have No. 30 अप्रैल से आदम फंक्शन हॉल मुगलपुरे में रूबरू मैट्रिमोनियल प्रोग्राम का दोबारा आगाज। जनाब उमर फारूक आजम का बयान। जनाब उमर फारूक आजम ने कहा कि रूबरू मैट्रिमोनियल प्रोग्राम गुज़िश्ता 7 साल से जारी है। ये प्रोग्राम आजम फंक्शन हॉल मुगलपुरे के अलावा दबीरपुरा गोलकुंडे में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी है। 30 अप्रैल से दोबारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यहाँ पर SSC इंटरमीडिएट डिग्री प्रोफेशनल हाफिज आलिम के रिश्ते मौजूद है और हर मसलक के रिश्ते भी मौजूद हैं। कहता हूँ रूबरू मैट्रिमोनियल प्रोग्राम शादियों के लिए जो प्रोग्राम रूबरू गुज़िश्ता 7 साल से आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा और दीगर 3 मुकामात पे हर इतवार को पाबंदी से 10 बजे से 5 बजे तक होता है। चूँकि रमज़ान था इसलिए रमज़ान में ये प्रोग्राम बंद था, लेकिन ईद दूसरे दिन इतवार आ गया था, इसीलिए
आने वाला संडे जो 30 तारीख के दिन है आज़म फंक्शन हॉल और दीगर मुकामात पे फिर से रूबरू शुरू होने जा रहा है। हमारे यहाँ हर किस्म के रिश्ते मौजूद हैं, एसएससी, इंटर, डिग्री, प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स और आलिम, फाजिल, हाफिज, फ्रेश ब्रदरी, अहले हदीस, मसलक, सभी मसलकों को लेकर हम चलते हैं। और आपकी इत्तला के लिए जो लोग 3 महीने का कार्ड बनाए हैं रमज़ान में हम अपनी तरफ से दीजिए। इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, देखते रहें तेलंगाना। हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।